एक 7 साल के बच्चे के साथ दो नाबालिग बच्चों द्वारा किया गया कुकर्म, पुलिस ने किया पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। रूपनगर में 7 साल के बच्चे का दो नाबालिग बच्चों द्वारा कुकर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चे की मां और पुलिस ने बताया कि मोहल्ले के दो नाबालिग बच्चे उसके बेटे को मच्छी पकड़ने के बहाने दरिया के पास ले गए। वहाँ पर उसको जबरदस्ती झाड़ियों में ले जाकर कई बार उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे ने वापस आकर अपनी मां को बताया और मां ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पीड़ित की मां ने कहा कि आरोपियों के परिवार वाले पैसे का लालच दे रहे थे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कार्रवाई चाहिए। वहीं इस बारे में जांच अधिकारी ने बताया कि बच्चे और मां के बयान के आधार पर दो नाबालिग लड़कों पर पॉस्को एक्ट के अधीन मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। उसके बाद मैं आई पुलिस के पास से रिपोर्ट लिखाने, तो मेडिकल भी कराना था। उस टाइम किसी ने बात भी सुना नहीं। फिर अभी 3 दिन हुआ, 3 दिन के बाद आज फैसला हुआ। उसके घर वालों ने क्या, उसके घर वाले ने बोला था कि कोई नहीं, हम पैसे जितना भी खर्च लगे हम देवरेंगे बोला। पैसे का दबाव, बार बार पैसे का दबाव पा रहे थे, तो मैंने उनका बात जानने के लिए मैंने बोला कि मेरे को 2 लाख रुपये चाहिए। उसके बाद वो बोलती मैं 2 लाख रुपये नहीं दूंगी, तू जो मर्जी कर ले, और तू मेरा भाई को अंदर करने के बाद मैं तेरे को देखूंगी तू क्या करेगी, मैं तेरे ऊपर उल्टा केस करूंगी बोली है। तो MCG ने बोला कि कोई बात नहीं, 2 लाख रुपये दे के मैं छुड़ा लूँगा। कौन सा MC? मोहित सर, वो हमारा अपने बार का MC है। वो मेरा साथ नहीं दे रहे थे, गलत का साथ दे रहे थे, सच्चाई का साथ नहीं दे रहे थे। पुलिस ने अभी तो कोर्ट में लेके गया, फैसला कराया, बयाना कराया हुआ है। तो अभी देखते हैं, पुलिस कह रहे कि हम कार्रवाई करेंगे, अब देखते करेंगे कि नहीं करेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कार्रवाई करना है, मेरे को 1 रुपये भी नहीं चाहिए, मेरे को पैसे का लालच बहुत दिखा रहे थे। ये बताइए क्या हुआ सारा मामला, कितनी उम्र का आपका लड़का है, क्या हुआ? मेरा लड़का 7 साल का है। तो मेरा लड़का नहाने के लिए गया था, मेरे लड़कों ने, वो लोग ने पक्का कार्रवाई करना है, मेरे को 1 रुपये भी नहीं चाहिए, मेरे को पैसे का लालच बहुत दिखा रहे थे। ये बताइए क्या हुआ सारा मामला, कितनी उम्र का आपका लड़का है, क्या हुआ? मेरा लड़का 7 साल का है। तो मेरा लड़का नहाने के लिए गया था, मेरे लड़कों ने, वो लोग ने पकड़ के मच्छी मारने के बहाने से पकड़ के मेरे लड़कों को जंगल में जाके गलत काम कराया, और बदतमीज से मेरे साथ बात करा, मेरे को हाथ तपाई भी करने की कोशिश करा, पत्थर पकड़ा था बच्चों ने मारने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने बोला मैं पुलिस के पास चल जाऊँगी, तो लड़का, फिर मैं पुलिस के पास आ गई, उसको लेके फिर पकड़ा दिया। कौन है वो लड़के जो जिसने का? लड़के मोहल्ले के लड़के लोग हैं, एक नेपाली एक मद्रासी हैं, तो वहीं रहते हैं वो लड़के लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं आई पुलिस के पास से रिपोर्ट लिखाने, तो मेडिकल भी कराना था। उस टाइम किसी ने बात भी सुना नहीं। फिर अभी 3 दिन हुआ, 3 दिन के बाद आज फैसला हुआ। उसके घर वालों ने क्या, उसके घर वाले ने बोला था कि कोई नहीं, हम पैसे जितना भी खर्च लगे हम देवरेंगे बोला। पैसे का दबाव, बार बार पैसे का दबाव पा रहे थे, तो मैंने उनका बात जानने के लिए मैंने बोला कि मेरे को 2 लाख रुपये चाहिए। उसके बाद वो बोलती मैं 2 लाख रुपये नहीं दूंगी, तू जो मर्जी कर ले, और तू मेरा भाई को अंदर करने के बाद मैं तेरे को देखूंगी तू क्या करेगी, मैं तेरे ऊपर। एक 7 साल का बच्चा है, गौशाला रोड के कॉलोनी में रहते हैं। ये बच्चा अपने दोस्तों के नाल, दोनों के नाल खेलन गया सी नदी के ऊपर, उत्थे उन्होंने मद कुकरम होया, तो वो मम्मी जब पता लग्या उत्थे मौके ते गई, तो मम्मी ने बच्चे फड़ के हॉस्पिटल लैके गई, तो उत्थे असीं फिर उन्होंने सानू दरखास्त दी, वो उपर असी कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों के बरखिलाफ 377 IPC पासको एक्ट का पत्र दर्ज किया। हाँ, दोषी वो भी बच्चे ने, उन्होंने एक असी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी लै रहे हैं, अरेस्ट हो जाएंगे।